तो अभी हम लोग आए हैं तापोड़ा में, रिवर व्यू एग्रो टूरिज्म एंड रिवर कैंप। ओके, अब क्या है कि एंट्री यहाँ है और एंट्री में ही इमीडिएटली यहाँ स्विमिंग पूल दिखाई दिया, तो मैं बोला पहले स्विमिंग पूल कवर कर लेते हैं, बाद में हम लोग रिजॉर्ट कवर करेंगे। ये यहाँ रिजॉर्ट है और यहाँ नीचे रिवर तक, रिवर व्यू है ना, तो रिवर तक टच उनका रिजॉर्ट है। काफ़ी बड़ा एरिया दिख रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी बिग स्विमिंग पूल। यहाँ बेबी पूल भी है, आराम से बैठ सकते हैं। प्राइवेसी फंटास्टिक है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है, मेन रोड से एकदम अंदर है ये। यहाँ उनका काम चल रहा है फॉर द रेन डांस, तो मस्त है, मज़ा आया। बिकॉज ऑफ प्राइवेसी मुझे अच्छा लगा ये स्पॉट। तो अभी रिजॉर्ट के अंदर एंटर करते हैं। तो ये रोड है एक्चुअली, यहाँ से मैं आया था। ओके, ये रोड से थोड़ा मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा यार यहाँ कुछ है या नहीं है, बट रियली रिजॉर्ट देखने के बाद में मस्त लगा मुझे। दिस इज़ द रोड। ये कार से थोड़ा सा ये दिखना है, बोट क्लब ऐसा दिखा है ना, आगे बोट क्लब है ना, यहाँ से नीचे उतरना है आपको। ये उनके फोन नंबर वगैरह दिए हुए। तो ये रिजॉर्ट का एंट्रेंस है, कार पार्किंग इज देयर, सो आराम से कार पार्क हो सकता है। ये जो आगे 1, 2, 3, 4 टेंट रूम्स है, अभी ओनर से मैंने बात किया है तो वो सतारा में रहते हो, तो उन्होंने बोला मैं रेट्स आपको भेज दूंगा, तो वो रेट्स मैं वीडियो के ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि आप सबका रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है कि हमको रेट्स बताओ। तो यस, आई अंडरस्टैंड, तो मैंने वो फीडबैक लिया है पॉजिटिवली। अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं है, सो फाइन, नो इश्यूज। तो ये है अपना टेंट वाला रूम, तो 4 लोग आराम से अकोमोडेट होते हैं। वेरी नाइस, क्लीन है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है, मुझे लगा नहीं था बाहर से कि अच्छा रहेगा। दिस इज़ अ टेंट टॉयलेट। ओके, तो इस तरीके से बनाया हुआ है ये। फैन है, कूलर है उनका, फ़ैन और कूलर ये रूम्स को उन्होंने दिया हुआ है, तो 4 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया यहाँ से डायरेक्टली ये रिवर व्यू है, तो ये उनके 4 रूम्स है टेंट। जैसे हम लोग स्टेप, जनरेटर बैकअप है, वो भी अच्छी चीज़ है एक्चुअली। जैसे हम लोग स्टेप डाउन करते हैं, यहाँ नीचे उतरते हैं, वैसे इस साइड उनका किचन और डाइनिंग है ये साइड में। दिस इज़ अ नाइस किचन एंड डाइनिंग। ये सब बिकॉज ऑफ बारिश ये सब लगा के रखा है। यहाँ तूफान बारिश होती है, कल रात में जब रुका था तो इट वॉज़ लाइक हेवी रेन्स। पूना में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। अभी ये बहुत ही, अगर आपका बड़ा ग्रुप है, ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा है ये। आप देख सकते हैं 16 बेड का ये रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, देखिए पूरा विंडोज़ दिया हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट आपको लेक व्यू दिख रहा है। अभी बिकॉज हम, मैं ऑड डे आया हूँ, तो उन्होंने बोला ऐसे लोग रहेंगे तो हम लोग सब प्रिपरेशन करके रखते हैं, दैट्स फाइन, तो अंडरस्टैंडिंग है। बट आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना सुंदर है, और लकीली उन्होंने पूरा कांच लगाया हुआ है, तो आपको ये व्यू हमेशा मिलता रहेगा। आपने अगर पर्दे उठा दिए ये, तो आपको पूरा लेक का व्यू मिलता रहेगा। यहाँ भी 2 टॉयलेट्स दिए उन्होंने, इस तरीके के टॉयलेट्स है। तो ये ग्रुप है, तो आई थिंक एक इकोनॉमी टूर करना है आपको, तो ये डेफिनेटली बेटर है। सो हमने देखे टेंट रूम्स, उसके बाद में हमने देखा एक डॉर्मेटरी, सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे डीलक्स रूम उनके। ठीक है, या पहले ही देख लेते, चलो फिर बाद में ये नीचे वाला रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलते डीलक्स रूम की तरफ, एक सेकंड, स्लाइटली कंफ्यूज, एक मैं राउंड मार के आया हूँ बट शायद मैं गलत रास्ते से आ गया। ये इनका बैक एंड है, बट इट्स फाइन, नो इशूज। हाँ, यहाँ से एक्चुअली रास्ता, ओके, दिस साइड टेंट से इमीडिएटली मुझे यहाँ आना था, फाइन फाइन, नो इशूज। सो देखिए तापोड़ा में कहीं भी जाओ, बारिश इतना हेवी है ना कि यू कांट इमेजिन और एक्सपेक्ट टू हैव ऑल दिस थिंग्स डिसअपीयर, इट इज़ बाउंड टू बी देयर। नाउ दीज आर 4 रूम्स, डीलक्स रूम्स, एक्सेप्ट टेंट, सब रूम एसी ही है उनके, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये भी 4 बेडेड रूम है, काफ़ी अच्छा उन्होंने एफर्ट किया हुआ है, लुकआउट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ, ये ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे, तो
बहुत ही अच्छा है, टीवी भी है, आई डोंट नो अभी यहाँ लाइट का बहुत ही इशू रहता है, सुकून है, आराम है, यहाँ कुछ बच्चों को खिलौने भी है खेलने के लिए, यू कैन सी लश ग्रीनरी है, यहाँ तो फार्म है, राइस का मस्त स्मेल आ रहा है मुझे, तो राइस फार्म के बीच में ही प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यहाँ स्विमिंग पूल है यहाँ देखिए ऊपर, सो अभी और एक बार नीचे जाते हैं हम लोग, तो हमने टेंट देखा, डॉर्मेटरी देखा, डीलक्स रूम्स हमने देखे, अब हम लोग देखते हैं, ऑरेंज है, असला माझ्याकडे डबल आहे, सिंगल नाही आहे. यहाँ डॉर्मेटरी हमने देखा, अब हम लोग देखते हैं दूसरे रूम जो रिवर व्यू बोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ जो गजीबो बनाया हुआ है, शाम को आराम से बैठ सकते हैं, डायरेक्टली आपको रिवर का व्यू है, वहाँ भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ. अच्छा कायाकिंग भी है, ओके, आणि तुम्ही ह्याला पण घेऊन जाता, त्रिवेणी संगम वगैरे सगळं दत्त मंदिर इथंच बोट निघू शकते. ओके ओके गुड, दत्त मंदिर त्रिवेणी संगम आयलंड पॉइंट, हां चालेल, स्पीड बोट आहे का आपली, स्पीड बोट पॉवर बोट आहे का, इथंच मिळेल सगळं, फंटास्टिक. ओके तो अभी ये रूम देखते हम लोग, एक मिनट फैन स्विच ऑफ, लेट मी स्विच ऑफ द फैन. तो अगेन ये ऊपर से मैं नीचे आया एक्चुअली, और ये है चार रूम्स, अलग रूम्स हैं, अगेन हर रूम इनका एसी है यहाँ एक्सेप्ट द टेंट्स, बड़े बड़े बेड्स है दो, मस्त है एकदम कंफर्टेबल कोजी, एंड यू कैन सी अगर ये कॉर्नर वाला रूम तो मस्त है एकदम, ये डायरेक्टली रिवर व्यू आपको अवेलेबल है, एंड दिस इज अ टॉयलेट, गुड क्लीन है, नो इश्यूज एट ऑल. उन्होंने थोड़ा बोला कि सर आप पहले बता देते तो अच्छा हो जाता था, बट क्या है कि मैं घूमता हूँ तो मुझे रैंडमली जहाँ दिखता है वहाँ मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं काफ़ी बार वहाँ जाता हूँ, तो ऐसा इंटीमेशन वगैरह करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे विजिट्स मेरे प्री प्लान्ड नहीं रहते हैं. सो अभी चलते हैं नीचे. अच्छा इनका एक बेनिफिट ऐसा है, रिजॉर्ट को ही यहाँ रिवर फ्रंट टच है, तो यहाँ से आप कयाकिंग के लिए जा सकते हैं, देन ये त्रिवेणी संगम दत्त मंदिर वगैरह जो ट्रिप है यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एंड स्पीड बोट भी है इनका, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी शांति है यहाँ, देखिए कुछ भी नहीं है, टोटल क्वाइट एंड अलूफ, यू नो मस्त है एकदम यार, शांति से आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड सिंस ऑल द बोटिंग एंड एवरीथिंग कयाकिंग वगैरह भी है वो भी अपने आपके लिए अच्छा हो जाएगा, यहाँ ग्राउंड है तो कुछ आपको इवेंट्स करने हैं कुछ करना है तो वो भी हो सकता है, गजीबे में बैठो आराम से. सो दैट्स इट, चलो अभी चलते हैं, मैं शायद आज पूना हो जा रहा हूँ, अभी और एक रिजॉर्ट मैंने आगे देखा है तो चलो शायद वहाँ मैं जाके आता हूँ, वाइफ बोली इतने दूर आए दिख रहा है तो चलो वो भी कवर कर लेते हैं, वहाँ भी मैं जाके आता हूँ, चलो चलते हैं, बाय बाय. और आपके फीडबैक मैं ध्यान में रखता हूँ, तो इस टाइम मैं रेट्स डालो, देखिए पीकॉक का आवाज़ आ रहा है, चलो थैंक यू.